दोस्तों, डी अरोमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो आइसक्रीम, जो हम सबके फेवरेट ओरियो बिस्किट से बनी है। इस आइसक्रीम में आपको चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड चेरी तीनों टेस्ट का मिक्सचर मिलने वाला है। एक ऐसा डिलीशियस टेस्ट जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ओरियो 120 ग्राम वाला पैक लेना है। ये देखिए, इसमें 12 क्रीम बिस्किट्स हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी क्रीम वाले बिस्किट्स लिए हैं, आप ओरियो चॉकलेट क्रीम बिस्किट्स भी ले सकते हैं। एक बोल में इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये देखिए, पीसेस रेडी हो गए हैं। 2 टीस्पून चीनी लेनी है हमने। और 300 ml फुल क्रीम दूध। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। दूध गाढ़ा होना ज़रूरी है। अगर दूध गाढ़ा नहीं होगा तो आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो आप दूध में मलाई या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने एक मिक्सचर जार में तीनों चीज़ों को डाल लेना है। ये देखिए, सबसे पहले बिस्किट्स, फिर चीनी और लास्ट में दूध। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेना है, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को मिक्सर में मिक्स कर लेना है। मिक्सी को बस इतना चलाना है कि तीनों चीज़ें प्रॉपर मिक्स हो जाएं। मिक्सी को ज़्यादा देर तक ना चलाएं। अब हम इसे एक एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे। आपने एयर टाइट बॉक्स ही लेना है। अब इस बॉक्स को 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज करने रख देंगे। ये देखिए, लिड को प्रॉपरली टाइट से बंद कर देना है। आइसक्रीम को रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं। अब आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कितनी हार्ड आइसक्रीम जमी है। अब हमने इस आइसक्रीम को मिक्सी से या विस्कर से दोबारा से ब्लेंड करना है। ये देखिए, फ्रेश चेरीज। आइसक्रीम ब्लेंड होने के बाद हमने चेरीज भी उसमें ऐड करनी है। देखिए, मैंने आइसक्रीम को मिक्सी से ब्लेंड कर लिया है। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोबारा से आइसक्रीम को ब्लेंड करने से इसमें क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर आता है, और थोड़े बहुत जो आइस क्रिस्टल्स बनते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, ये कितनी थिक और क्रीमी दिख रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेरीज ऐड करूँगी। मैंने इनको 2 पीसेज में कट कर लिया है और इनके सीड्स निकाल लिए हैं। इनको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। चॉकलेट मिल्क क्रीम के लिए आप थोड़े टैंगी टेस्ट वाले फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, चेरी, कीवी। इन फ्रूट्स का चॉकलेट आइसक्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चेरीज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे फिर से 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। फिर से आपने एयर टाइट कंटेनर लेना है और इस मिक्सचर को उसमें डाल देना है। आइसक्रीम को थोड़ी कटी हुई चेरीज के साथ गार्निश कर लेंगे। एयरटाइट कंटेनर की लिड को अच्छे से सील कर देना है। आइसक्रीम को रखे हुए 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाओ, ओरियो आइसक्रीम तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बोल्स में सर्व करेंगे। ये देखिए, बीच में चेरीज कितनी ऑसम दिख रही हैं। अब हम आइसक्रीम को स्कूप कर लेंगे। ये देखिए, लुकिंग डिलीशियस। ये देखिए, बीच में चेरीज कितनी ऑसम दिख रही हैं।
लास्ट में चॉकलेट सिरप से इसको गार्निश कर लेंगे। ओरियो आइसक्रीम इज रेडी टू सर्व। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप मार्केट की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।